हेलो दोस्तों, आप लोग को मैथ मस्ती में स्वागत करता हूँ। देखिए दोस्तों, आज आप लोग को हम शून्य के पार्ट फोर लेकर के आए। इसमें जो है आप लोग के लिए जो क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री बराबर जीरो, तो शून्य निकाला है दोस्तों। तो आप लोग पहले इसको समझ लीजिए, जो संख्या, ठीक है, जो संख्या उसको हम वर्ग के स्क्वायर के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उस टाइप के लिए हम ये क्वेश्चन बना है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसको हम स्क्वायर के रूप में नहीं लिख सकते हैं दोस्तों। अगर हम स्क्वायर के रूप में नहीं लिख सकते हैं तो उसके लिए स्पेशलिस्ट ये जो है शून्य है। ठीक है दोस्तों, तो जो संख्या को स्क्वायर के रूप में नहीं लिखा जा सकता है दोस्तों, तो उस पर रूट चढ़ा करके स्क्वायर करेंगे। क्यों करेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए कि पांच है, अगर इसको स्क्वायर के रूप में लिखना हो, अगर स्क्वायर के रूप में हम लोग को जरूरत हो, तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए स्क्वायर के रूप में लिखने के लिए विधि देखिए, रूट चढ़ा कर स्क्वायर कर देंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अगर मान लीजिए सिक्स है, तो इसको भी स्क्वायर के रूप में लिखना है, लेकिन स्क्वायर के रूप में टूट करके नहीं लिखाता है दोस्तों, तो इस पर भी रूट चढ़ा कर स्क्वायर कर देंगे। यानी कि जिसका वर्गमूल नहीं बनता है, जो भी संख्या का अंक का, उसको हम रूट चढ़ा करके स्क्वायर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आप लोग को है कि एक्स स्क्वायर माइनस थ्री है, तो एक्स स्क्वायर देखिए इसका वर्ग नहीं किया जा सकता है, तीन के तोड़ का हम स्क्वायर रूप में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, तो इसलिए इस पर रूट चढ़ा कर हम स्क्वायर चढ़ा देंगे दोस्तों, इक्वल टू जीरो। अब देखिए दोस्तों, सिंपल नियम से हम बताते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला होता है ए प्लस बी आई इंटू ए माइनस बी। ठीक है दोस्तों, सिंपल है, तो इसको हम लिख देंगे एक द प्लस में, ठीक है दोस्तों, और एक द माइनस में। देखिए दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इसका टू जीरो। अब क्या करेंगे, देखिए एक्स प्लस रूट थ्री इसकल टू जीरो, देखिए एक दा इसके बराबर में जीरो, एक दा इसके बराबर में जीरो, ठीक है। अब देखिए एक्स माइनस रूट थ्री इसकल टू जीरो, दोनों के बराबर जीरो हो गया। अब देखिए एक्स इधर प्लस में है, तो इधर चल जाएगा था माइनस में हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए एक्स इधर माइनस में है, तो इधर हो जाएगा प्लस में, ठीक है दोस्तों, आप लोग को समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और इस पर बताते हैं, फॉर्मूला इसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग को, एक्स स्क्वायर माइनस या एक्स पर नहीं टी पर, टी स्क्वायर माइनस फाइव, ठीक है, इसका टू जीरो। कुछ नहीं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा आप लोग, एकदम सिंपल है, बस इसको स्क्वायर के रूप में लिखना है, तो देखिए टी स्क्वायर माइनस रूट फाइव के स्क्वायर, बस रूट चढ़ा के स्क्वायर कर दिए, स्क्वायर के रूप हम लोग को आ गया, अब जरूरत नहीं है ज्यादा कुछ, बस कुछ नहीं करना है दोस्तों। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो देखिए ए प्लस बी एकदा प्लस में आ एकदा माइनस, ठीक है दोस्तों, एकदा प्लस में आ एकदा माइनस में, तो आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों। देखिए तो टी प्लस रूट फाइव इसकल टू जीरो, उसके बाद एक हो जाएगा टी माइनस रूट फाइव इसकल टू जीरो। अब देखिए इधर हो गया आप लोग को प्लस में, तो इधर माइनस में, ठीक है दोस्तों, और इधर हो गया आप लोग को माइनस में, तो उधर हो जाएगा प्लस, ठीक है दोस्तों, आप लोग को समझ में आ गया होगा। आप लोग को हम एक क्वेश्चन देते हैं, आप लोग कमेंट्स में लिख करके भेज सकते हैं दोस्तों। देखिए टी स्क्वायर माइनस पंद्रह, ये हो गया आप लोग को टेंथ के क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों, बराबर जीरो, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब है जो आप लोग इसको बना करके आंसर लिख करके भेज सकते हैं, बस आप लोग को कुछ नहीं भेजना है, इतना भेजना है, इतना माने इतना का मतलब यही नहीं भेज देना दोस्तों, इसको हल करके, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, अब जिसका वर्ग बनता है दोस्तों, जिसको हम स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, उस टाइप क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ही दिया हुआ है एक नंबर में, यानी कि दो था, अब यहाँ तीन कर देते हैं, ठीक है दोस्तों, तो एक्स स्क्वायर माइनस सोलह इसकल टू जीरो। अब बात करेंगे हम लोग कि एक्स स्क्वायर माइनस सोलह है, ठीक है, तो इसको हम जो सोलह जो है कितना के स्क्वायर है, तो आप लोग को पता होगा कितना के स्क्वायर है,
चार के स्क्वायर इक्वल टू जीरो। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को पता है कि देखिए एक का स्क्वायर हो गया एक, दो के स्क्वायर हो गया चार, तीन के स्क्वायर हो गया नौ, चार के स्क्वायर हो गया सोलह, पांच के स्क्वायर हो गया पच्चीस और छह के स्क्वायर हो गया छत्तीस। इस प्रकार आप लोग को पता होगा दोस्तों। ठीक है, तो देखिए सोलह कितना के स्क्वायर है, तो चार के, तो चार के स्क्वायर कर दिए। अब एकदम प्लस में एकदम माइनस में, तो देखिए दोस्तों एक्स माइनस फोर या प्लस में रख देते हैं। ठीक है, और एकदम प्लस में हो गया एकदम माइनस में इक्वल टू जीरो। अब देखिए दोस्तों एक्स प्लस फोर इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस फोर इक्वल टू जीरो, एकदा यहाँ हो गया बराबर जीरो, एकदा फिर बराबर जीरो। अब देखिए दोस्तों इधर प्लस में है तो इधर हो जाएगा माइनस में, ठीक है, और इधर माइनस में है तो इधर हो जाएगा प्लस। ठीक है दोस्तों, आंसर हो गया। अब आप लोग देखिए एक और क्वेश्चन बताते हैं इस पर। देखिए दोस्तों यहां दिया हुआ है एक्स, एक्स नहीं वाई कर देते हैं, वाई स्क्वायर माइनस छत्तीस दिया हुआ है इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो आप लोग पता कीजिए उधर देख करके कि ये जो है छत्तीस कितना के स्क्वायर है। तो देखिए था छत्तीस कितना के स्क्वायर, छ के, छ के स्क्वायर इक्वल टू जीरो हो गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, उस फॉर्मूला पर सेटिंग है, तो आप लोग इसको एकदा प्लस में लिखिएगा एकदा माइनस में। ठीक है दोस्तों, तो y प्लस सिक्स और y माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है दोस्तों, तो y प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो और y माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो, एकदा बराबर में इसके बराबर में जीरो लिखे, एकदा इसके बराबर में जीरो लिख दिए। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इधर प्लस में है तो इधर आएगा था माइनस में, और इधर माइनस में है तो दोस्तों इधर जाएगा था प्लस में। ठीक है, आंसर हो गया। आप लोग इस जो वीडियो में इस सब को बताएं, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो आप लोग इसको बढ़िया से याद करके आप स्क्वायर के बारे में जान सकते हैं। देखिए सात के स्क्वायर होता है उनचास और आठ के स्क्वायर हो जाएगा चौसठ, नौ के स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों इक्यासी और नहीं सॉरी सॉरी आठ के स्क्वायर चौसठ और नौ के इक्यासी। ठीक है, और 10 को आप लोग जानते हैं स्क्वायर दोस्तों 100। ठीक है, आप लोग जो है इसको ध्यान से देखिए, और आप लोग को नेक्स्ट वीडियो जो है आप लोग को एकदम झलदार जो होता है यानी कि जो मूल विधि से ज्ञात किया जाता है उसके बारे में बताएंगे दोस्तों, और टाइप बाय टाइप आप लोग को बताएंगे। ठीक है, और इसके बारे में जो है अब बाटा में जो लगा हुआ क्वेश्चन होता है, बाटा में लगा हुआ क्वेश्चन उसके बारे में बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग के एग्जाम में वही क्वेश्चन आता है, इसको ऑल एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा। आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब निश्चित कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है।